नमस्कार, मैं सीआरजे और एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल देश और दुनिया में। तो आज जो वीडियो लेके आया हूँ वो आज के हमारे वर्तमान एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल का एक पुराना वीडियो है, जो मैंने तो काफी बार देखा और जितनी बार देखता हूँ एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी उससे मिलती है और एक नई सोचने की ताकत वो वीडियो देता है। तो मैंने सोचा क्यों ना वो वीडियो मैं आप तक भी पहुंचाऊं, तो आज मैं वो वीडियो आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो उस वीडियो को देख के शायद आपको भी सोचने की एक नई ताकत मिले, सोचने का नया एक नजरिया मिले। तो आप भी उस वीडियो को जरूर देखें और आप चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, लाइक करें ना करें, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट इतनी है उस वीडियो को आप शेयर जरूर करें, क्योंकि वो वीडियो मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए और उसको देखना चाहिए, क्योंकि उसको देख के वो जरूर कहीं ना कहीं आपका भी नजरिया बदलेगा, आपको भी एक नई एनर्जी उससे मिलेगी। तो चलिए चलते हैं उस वीडियो की ओर और देखते हैं वो खास वीडियो। मैं आपको शक्ति का दूसरा सिद्धांत बताता हूं। मुझे नहीं मालूम कि यह सिद्धांत मुझे बताना चाहिए या नहीं, मुझे यह भी नहीं मालूम कि यह सही है या नहीं, लेकिन क्योंकि मैं इसको मानता हूं और मुझे मालूम है कि इसके बारे में कई लोग जिनके हायर मॉरल वैल्यूज हैं शायद न भी समझते हो या न भी वो रखते हो, लेकिन एक मेरा विचार है, चाहे तो इस पर विचार करें, सब नहीं तो कुछ न कुछ लोगों को शायद इस विचार से कुछ सोचने की और कुछ करने की प्रेरणा मिलेगी। इतिहास दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है, इससे बड़ी अदालत कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, हाई कोर्ट में क्या हुआ, लड़ाई के मैदान में क्या हुआ, इलेक्शंस में क्या हुआ, ये सब बातें आती हैं चली जाती हैं, बाद में रह जाता है केवल इतिहास। और इतिहास का निर्णय हमेशा उसके पक्ष में गया है जो शक्तिशाली था, इसने कभी उसका साथ नहीं दिया जो न्याय के साथ था, जो सही था। अगर ऐसा होता तो दिल्ली में बाबर रोड होती है, बाबर रोड है लेकिन राणा सांगा रोड नहीं है, क्योंकि बाबर आया विजयी हुआ, राणा सांगा हार गया। भारत की हिंदूशाही किंगडम अफगानिस्तान से होती सिकुड़ती 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 यहां तक नहीं आ जाती। हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया, हमने किसी के जीवन मूल्यों को नष्ट नहीं किया, हमने किसी के धर्म ग्रंथों को और धर्म स्थानों को नष्ट नहीं किया। शायद हम न्याय संगत थे, शायद सत्य भी हमारे पक्ष में था, लेकिन शक्ति हमारे साथ नहीं थी। इसलिए इतिहास ने हमें उसकी सजा दी, इतिहास ने हमेशा उनको सजा दी जिन्होंने विचारों को कर्म से और न्याय को शक्ति से अधिक महत्व दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको उसकी तिलांजलि कर देनी चाहिए, ये नहीं है कि न्याय का अपना महत्व तो नहीं है, लेकिन यदि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो तो शक्तिशाली बनना ज्यादा आवश्यक है। भारत धर्मगुरु भी तभी बनेगा जब एक शक्तिशाली भारत का निर्माण होगा। जिन लोगों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, भारत के ऊपर राज किया, इस प्रकार से राज किया कि राज करते वक्त जाते वक्त अपने गुलामों से कह दिया कि तुम राज कर लो, हम तो जा रहे हैं, तो यहां पर गुलाम वंश भी बन गया। अगर हम लड़ाई के वॉरफेयर के उसूलों से देखें कि किसी भी राष्ट्र की जो कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट पावर होती है, किन चीजों से वो लड़ाई लड़ता है, किसको हम कहते हैं कि ये शक्तिशाली है दूसरा शक्तिशाली नहीं है, क्या वो अव्यय होते हैं उसके, क्या घटक होते हैं उसके, तो भारत के पास जनशक्ति, धन शक्ति, ज्ञान की शक्ति, टेक्नोलॉजी की शक्ति और जिन लोगों ने आक्रमण किया उनकी उनकी शक्ति को अगर हम ये देखें तो शायद एक और हजार का अनुपात भी नहीं होता। लेकिन उसके बाद भी
हम वो नहीं कर पाए। और ये प्रश्न भी किसी ने पूछा, उस पर मैं आऊंगा बाद में, निविदा जी ने उसका बहुत अधिक उत्तर दिया, बहुत अच्छा उत्तर दिया था कि क्या कारण है, किसके कारण भी हम लोग इस लड़ाई में, इतिहास ने हमारा साथ या हमारे पक्ष में न्याय नहीं दिया। क्या कारण है कि कश्मीर में हम लड़ रहे हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण हो रहा है, हमारे ऊपर बाहर से लोग आकर वायलेशन हमारे बॉर्डर का करते हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स हमारे यहां आते हैं, जबकि पूरा का पूरा कश्मीर भारत का भाग है, अभिन्न भाग है, कानून के अनुसार वहां के राजा ने यह हस्ताक्षर किए, हमें दिया। क्या कारण है कि करोड़ों की संख्या में बांग्लादेश से लोग भारत में आते हैं, हम बाल लगाते हैं, वो लोग वहां से मना करते हैं कि आप हमारे आदमियों को आने दीजिए, और हम कुछ नहीं कर पाते। और भारत में 2 करोड़ नागरिक रहते हैं, हमारे एयरपोर्ट के ऊपर में इमिग्रेशन की चेक पोस्ट लगाते हैं कि कहीं पर कोई एक आदमी बिना पासपोर्ट के या बिना वीजा के भारत में प्रवेश न कर जाए। यहां पर लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी ये वो करता है कि जिन लोगों ने, जो इसके लिए जिम्मेदार है, उन्होंने जो काम किया है वो भारत के ऊपर आक्रमण के बराबर काम किया है। और वही सरकार उस सुप्रीम कोर्ट के 25 जुलाई 2005 के निर्णय के 3 दिन के अंदर में एक नया अध्यादेश जारी करके उन सारे के सारे कानूनों को फॉरेनर्स एक्ट के अंदर में इनकॉर्पोरेट कर लेती है, क्योंकि जो वो IMDT एक्ट था उसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया। ये सब बातें हमें सोचने और समझने की आवश्यकता है। एक कारण, मैं ज्यादा चीजों में नहीं जाना चाहता, इतना समय भी नहीं होगा, कि भारत विदेशों से इतना नहीं हारा। अंग्रेजों ने भारत के खिलाफ कोई लड़ाई ऐसी नहीं जीती जिसमें कि अंग्रेजों की फौज में भारतीय सिपाही नहीं थे, चाहे वह पहले बंगाल नेटिव आर्मी थी 1857 के अंदर में, सिखों और गुरखास ने उनका साथ दिया, जब सिखों से लड़ाई हो रही थी तो बाकी लोगों ने उनका साथ दिया, हमेशा नेटिव आर्मी उनके साथ थी। जब जब आक्रमण वेस्ट से हुआ, चाहे वह पार्थियन थे, चाहे हून थे, चाहे मंगोल आए, बाद में मुगल आए, तो लश्कर कहां बने? वो तो थोड़े से लोग आए थे। लश्कर बने काबुल में, जिस वक्त वो इस्लामाइज भी नहीं हुआ था, लाहौर में, सरहंद में। हिंदुस्तानियों को हराया है तो हमेशा हिंदुस्तान के लोगों ने साथ नहीं दिया देश का, और दर्द है तो केवल इसी बात का। भारत के इतिहास में अगर दर्द केवल इस बात का नहीं है कि विदेशों ने हमारे साथ क्या किया, उनका तो हम मुकाबला कर लेते। दुख इस बात का था कि हमारे सभी लोगों ने साथ नहीं निभाया और साथ नहीं दिया, और इसकी फीलिंग आज भी मुझे इस देश में होती है। और भारत को आंतरिक या बाह्य शक्तियों से जो सबसे बड़ा खतरा है, वो खतरा इस बात का है कि हमारे अपने लोग ही कहीं राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की अस्मिता, राष्ट्र के गौरव का सौदा न कर बैठे, अपने आज के सुख के लिए अपने भविष्य को अंधकारमय न कर दें। और इसके लिए जो जागरूकता चाहिए, इसके लिए जो ताकत पैदा करनी है, वो ताकत केवल समाज के अंदर ही पैदा की जा सकती है, उसको केवल आप लोग कर सकते हैं, वो केवल आज की युवा शक्ति ही कर सकती है।